कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तु जरा कोशिश तो कर नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का पुनः एक बार मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद क्योंकि लगातार इसी प्रकार की कुछ आपको नए नए अपडेट वगैरह चीज मिलती रहती है जो लोग शुरू से में उनको पता है ठीक है ये एमप्यूटी की वैकेंसी जब आई थी ना तीन फरवरी दो को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ने उस टाइम दी थी वो वीडियो देखनी तो लिंक एड्रेस कर सामने देख लीजिए और इसका जो पेपर है ये है कृषि पर्यवेक्षक का पेपर और पोलिटिक स्ट्रेडी जो एग्ज़ाम है वो बारह मई दो को हुई थी जिसमें से कृषि परिवेशक का पेपर है जो कि बारह मई दो को हुआ था सी सीरीज़ का ये पेपर है इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में अपन पच्चीस क्वेश्चन जी के बात करने वाले हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है लिंक ड्रिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए ठीक है नहीं और इससे पहले मैंने हिंदी का पेपर सोलूशन करा दिया गया ठीक है नहीं अब उसमें से एक क्वेश्चन हिंदी का ड्रॉप हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो हिंदी का पेपर सोलूशन देखिए आप उस वीडियो को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए ठीक है नहीं पता लग जाएगा आपको तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है और ये देखो एम में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जीके का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग था लेकिन बाकी की जो यूनिवर्सिटियों में निकली है ना नॉन टीचिंग की राजस्थान में पाँच सरकारी कृषि विश्वविद्यालय तो समय समय पर ऐसे धमाके होते रहते हैं ठीक है नहीं तो उनमें जो जी का सिलेबस है वो अधीनस्थ बोर्ड की जो कृषि परवेक्षक की एग्जाम है उसी के समान है ठीक है नी केवल ये एम वाला ही तो थोड़ा अलग था ठीक है नहीं तो इस प्रकार से देख सकते हो आप कैसा पेपर आया था तो इसी प्रकार से अपन जो है डिसकस इसको डिस्कस करने वाले हैं तो ये आपका जो है मतलब ये कुछ जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई ठीक है नहीं इस वीडियो को शुरू से लेकर है तक पूरा देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें ठीक है नहीं और इसके जो न्यू जो इसके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उसकी जो कट ऑफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पॉलिटी असिस्टेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ठीक है नहीं उनको नियुक्ति वगैरह दे दी गई है ठीक है नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें कंप्लीट जानकारी के लिए ठीक है नहीं तो अब इसमें सबसे पहले अपन इसको शुरू कर दें पेपर को ठीक है नहीं तो क्वेश्चन नंबर एक है कि कान के ऊपरी हिस्से में जो पहने पहने जाने वाला जो आभूषण है वो क्या है आपका तो इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट का फोर्थ आंसर फर्स्ट का फोर्थ आंसर पीपल पत्र ठीक है नहीं क्वेश्चन नंबर दो है अलगोजा क्या है तो अलगोजा एक वाद्यंत्र है क्वेश्चन नंबर दो का फर्स्ट आंसर राइट है कौन सा मध्यकालीन राजस्थान में लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था क्वेश्चन नंबर तीन का फोर्थ आंसर राइट है एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो वो क्या आपका मोतीलाल तेजापद फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ आंसर राइट है राजस्थान में अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका नसीराबाद है ठीक है नहीं सेकेंड आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर छः होर्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था तो क्वेश्चन नंबर छः आपका सत्रह सौ परोपकारिणी सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी क्वेश्चन नंबर सात है आपका फोर्थ अठारह सौ तिरासी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल रियासतें थी कितनी थी आपकी तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो आप राजस्थान में रियासत थी उनकी संख्या यहाँ पर ये पूछी गई है तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बाईस आठ में का सेकेंड आंसर राइट है ठीक है अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नेक्स्ट है वर्ष 1936 में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके मंगाराम फर्स्ट आंसर राइट है ठीक है ना भील कन्या काली की शादत किस स्थान पर हुई थी तो वो है आपका रास्ता पाल कहाँ पर रास्ता पाल, पाल? थर्ड आंसर राइट है राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में जाखम बांधि स्थित है अब ये देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है और राजस्थान की जियोग्राफी से रिलेटेड भी है तो कुछ मिक्स प्रकार का क्वेश्चन है ठीक है नी ये राजस्थान की जियोग्राफ़ी में ही काउंट होगा कृषि जलवायु खंड से रिलेटेड भी है वो तो इसी प्रकार से मैच तो ये आपकी अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है चीज़ ठीक है न तो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें चैनल पर न्यूज सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के धमाके होते रहते हैं एग्रीकल्चर का भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा ठीक है न चैनल पर तो इसी प्रकार से जो है आपको अब ये जो राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में जाख स्थित है तो इसका क्वेश्चन नंबर में का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ठीक है नहीं क्वेश्चन नंबर बारह जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है तो वो है आपका दस यानी कि में का सेकेंड आंसर राइट है ठीक है नहीं अब इसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट ने जो क्वेश्चन वो आ रहा है ठीक है नहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका वीर विनोद मुख्य रूप से किस राज्य के इतिहास से संबंधित है तो वीर विनोद जो है आपके ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर छियासी का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ आंसर राइट है ठीक है क्वेश्चन नंबर सत्यासी वंश भास्कर के लेखक कौन है तो वंश भास्कर क्वेश्चन नंबर से का सेकेंड आंसर राइट है राजस्थान का कौन सा संत मतलब गंगा नदी के किनारे तो वो है कालीबंगा अट्ठासी किम अट्ठासी का सेकंड आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर नवासी तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया है तो वो है आपका फर्स्ट आंसर ग्यारह सौ इक्यानवे में ठीक है गुल वंश के संस्थापक कौन थे तो वो थे आपके गुल वंश के जो संस्थापक थे वो आपके गोये दत्त थे यानी कि क्वेश्चन नंबर जो नब्बे है उसका आपका फोर्थ आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर इक्यानवे जोधपुर के किस महाराजा ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया तो वो है आपका महाराजा जसवंत सिंह थर्ड आंसर राइट है राणा सांगार बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया तो वो है आपका का लड़ गया खानवा में फोर्थ आंसर राइट था निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है तो वो है आपके किशनगढ़ शैली से, से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये शैली जो होती है ना आपकी किशनगढ़ शैली ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है ठीक है नहीं तो अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था वो आपका जोधा ने सेकेंड आंसर राइट है कुंभलगढ़ के दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार का नाम क्या है तो वो है आपका आर एट पोल ठीक है नहीं फर्स्ट आंसर राइट है जाम्बोजी ने अपने अनुयाय को कितने नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था तो वो है आपके उनतीस ठीक है नहीं राजस्थान में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा था तो चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य केंद्र है वो आपका अजमेर है थर्ड आंसर राइट है हर्षद या हर्षद माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर है आपका हर्षद या हर्षद माता का मंदिर तो वो है आपका ये जो आंसर है इसका होगा आपका आभा सेकंड आंसर राइट है बालर क्या है तो बालर एक नृत्य का प्रकार है ठीक है नहीं नृत्य का एक प्रकार है थर्ड आंसर राइट है कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है ठीक है नहीं तो यहाँ पर है माता का तो ये पच्चीस क्वेश्चन थे एम पी यू टी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एंड पॉलिटी असिस्टेंट बारह मई दो हज़ार तेईस को जो एग्जाम हुई थी उसकी अब उसकी सेलेक्टेड कैंडिडेट का टॉप देखनी है तो उस वीडियो का भी लिंक है पॉलिटी असिस्टेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और इसकी रिक्वायरमेंट की जो वीडियो एडवर्टाइजमेंट की उसकी भी वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का लिंक है ठीक है नहीं तो इस वीडियो के ड्रेस में टेलीग्राम चैनल इस ड्रेस को ज़रूर चेक करना सभी प्रकार के लिंक मौजूद हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद में यदि कोई डाउट बचाता है और ड्रेस को चेक करने के बाद में तो आप कमेंट कर सकते हो ठीक है नहीं और इसी प्रकार से आपको एग्रीकल्चर का पेपर सोलूशन भी जल्दी मिलेगा तो ये जो आपकी पच्चीस क्वेश्चन जो थे वो आपके एम पी यू टी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पॉलिस ने पूरे हुए और ये जो पेपर सोलूसन है एम पी यू टी में क्या था कि राजस्थान जी के का कुछ पार्ट अलग था लेकिन फिर भी ये जो पेपर आपको ईजी लग रहा होगा ईजी यूँ क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड इस है एग्ज़ाम का वो ट्वेल्थ लेवल है ठीक है ना तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया है ठीक है नी लेकिन बाकी के जो उनमें यूनिवर्सिटियों में निकली वैकेंसी राजस्थान की अदर जो यूनिवर्सिटी में निकली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो उनमें जो कृषि ये जो कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है ठीक है तो वो अधीनस्थ बोर्ड के समान ही है ठीक है नहीं तो आई होप यू ये जो मतलब चीज़ है आपको समझ में आई होगी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें इसी प्रकार से आपको धमाके मिलते रहेंगे चैनल बने तो सब्सक्राइब कर ले, काफी लें काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते क्यों नहीं करते कर लीजिए सब्सक्राइब इसी प्रकार के धमाके होते रहते क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ठीक है नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको शेयर कर दें लाइक कर दें सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा ना उनको बहुत बहुत दिल की कराएं से हृदय का बारे में धनबाद ठीक है नहीं तो इसी प्रकार से देखते रहिए मोहित शरमा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान जय हिंदुस्तान